नमस्कार साथियों, हाय गाइस, क्या हाल है। और आज मैं अपने ज़िले आजमगढ़ में कुंवर सिंह उद्यान पार्क में उपस्थित हूँ। हमारे बीच कुछ साक्षरता कर्मी, जिसको कि शिक्षा प्रेरक के रूप में जाना जाता है, वो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये शिक्षा प्रेरक भाई बहन जो कि 5 साल तक संविदा पर सरकार के काम में सहयोग दिया है, और इनका मानदेय मात्र 2000 मिलता था, और इस समय सरकार ने इनको 5 साल से मतलब कार्य से बाहर कर दिया है। इनको काम भी नहीं दे रही है, और इन प्रेरकों को जो बकाया मानदेय भी है उनको भी नहीं दे रही है। तो बड़ी ही विषम परिस्थिति इन प्रेरकों के साथ आई है, जिसको लेकर प्रेरक बेचारे बार बार धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार है कि अंधी और बारी गूंगी सब है। इस सरकार के न कान है, न आँख है, न मुंह है। ये सरकार हमेशा गरीबों को सताई है, और ये शिक्षा प्रेरक भी एक गरीब परिवार से थे, जो कि 2000 रुपये की नौकरी करते थे। इन प्रेरकों को सरकार ने कार्य मुक्त कर दिया है, जिसको लेकर प्रेरकों में घोर चिंता बनी हुई है, और इन लोगों का काफ़ी समय भी हो गया है। इस हालत में अब प्रेरक आखिर कहाँ जाए, यह सोचने वाली बात है। लेकिन सरकार इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, इसलिए हम लोग आजमगढ़ में उपस्थित होकर आपसी बैठक कर रहे हैं, और ज़िले के जिलाधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा रहा है, ताकि हमारे कार्य को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हमारे कार्य पर विचार नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए हम सभी प्रेरक एकजुट होकर सरकार के इस काम को, इस नाइंसाफ़ी को याद कराते हैं, कराने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रेरकों का काम जल्द से जल्द किया जाए, और हमारी समस्याओं का जल्द समाधान निकाला जाए, जिससे कि प्रेरकों की समस्याओं को दूर किया जा सके। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।